फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके नाभि के नीचे का जो एरिया है यहाँ पे अगर फैट बहुत ज्यादा है तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस करके उसको कम कर सकते हैं। उस वीडियो पे आप लोगों ने मुझे काफी भर भर के प्यार दिया और काफी लोगों ने क्वेरी की कि कोई ऐसी वीडियो और बनाइए जिससे कि नाभि के ऊपर जिन लोगों का फैट है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके नाभि के ऊपर के फैट को भी कम करेगा और जो नाभि के नीचे का हमारा पेट होता है वो ऐसे लटक जाता है, थुलथुला हो जाता है, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे, एकदम आप ऐसे समझिए कि मैट के दोनों एंड पे आपको अपने पैरों को इस तरह से रखना है एकदम सीधे और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे पीछे लेके जाइए। आपको यहाँ पे आके एक लंबा सांस भरना है इस तरीके से और उसके बाद अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और अपोजिट साइड वाले हाथ को ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से आराम से एंड बैक। फिर यही चीज आपको दूसरे पैर से करनी है। फिर से एक लंबा सांस भरिए पहले एंड बैक, सांस भरते हुए ऊपर। ठीक है, अब इसी प्रैक्टिस को हम 10 बार करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए और रिजल्ट्स देखिए। ठीक है, तो कम ऑन, ब्रीदिंग के साथ में करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रीथ इन, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप देखोगे कि आपके नाभि के ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको काफी प्रेशर आता है जब ये वाली एक्सरसाइज आप करते हैं। इसके इनिशियली आपको 10 रेपिटेशन ही करने हैं, धीरे धीरे आप इसके रेपिटेशन को बढ़ा लीजिए। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो करने के लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे, एल्बोज पे आएंगे, पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे सामने और फिर सामने पूरा इस तरीके से स्ट्रेच ऐसे ये। ठीक है, ये भी हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। सो कम ऑन, स्टार्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1, 2, 3, 4, 5, हाथों को फिक्स रखो एक जगह पे, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड दैट्स इट। आराम से ऊपर बैठ जाइए। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों एक्सरसाइज के सिर्फ 10 रेपिटेशंस मेरे साथ में करने से ही आपका जो ये वाला एरिया है ना, नाभि के एकदम ऊपर वाला, यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त सा क्रैम्प आता है और यही क्रैम्प आपके यहाँ के फैट को रिड्यूस करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसके आप स्टार्टिंग में इतने ही रेपिटेशंस कीजिए, फिर धीरे धीरे आप रेपिटेशंस को बढ़ा लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो, एक्सरसाइज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथों को नीचे रखना है ऐसे, हाथों को सामने नीचे लॉक कर लेंगे, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से, पैरों के बीच में भी गैप देंगे और पूरी बॉडी को एक सिदाई में रखेंगे बिल्कुल सीधा और फिर इस तरह से आपको अपने हिप्स को एक तरफ पूरा डिप करना है, देन सेंटर, अदर साइड, सेंटर। ठीक है, ये भी हमें इसी तरीके से 10 बार करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए इस वाली एक्सरसाइज में। सो कम ऑन, लेट स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, पूरी बॉडी को सीधा रखना है, 5, 6, सामने देखिए, 7, 8, 9 एंड 10। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप सिर्फ 5 मिनट इन तीनों एक्सरसाइज को करते हैं प्लस अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बैलेंस तरीके से अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पेट का मोटापा जरूर कम हो जाएगा। और आप किस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।